जोहार इनसे मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम इनसे नवा स्पेशल वीडियो रे गिरीश चंद्र मुर्मू संथाल फर्स्ट सबसे महान व्यक्तित्व जो भारत के गौरव को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम कर रहे मयूरभंज उड़ीसा के गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के सीएजी जम्मू कश्मीर के सबसे पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है ये सीएजी क्या इनकी पावर है क्या शक्ति है तो गिरीश चंद्र मुर्मू की पूरी अर्ली लाइफ पूरी बायोग्राफी और सीएजी की पावर इनकी कितना सैलरी है महीना में ये कितने सैलरी भारत सरकार इनको देते हैं इनकी शक्तियां क्या है ये सरकार ये भारत के लिए क्या कर सकते हैं ये भारत सरकार के किस मापदंडों पे काम करते हैं किन किन ड्यूटियों को ये निभा सकते हैं और क्या इनका लिमिटेशन है ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा तो बिना किसी देरी का जस्ट हम विलोम कटे जलाबन वीडियो मन जिस स्टॉप लगे चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकी जीवन गाथा। जीसी मुर्मू और गिरीश चंद्र मुर्मू का जन्म उड़ीसा मयूरभंज जिले के बेटनोटी गांव में एक मामूली संथाल परिवार में हुआ था। ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई थे। इनके 6 भाई थे और 2 बहनें थे, जिनमें सबसे बड़े जीसी मुर्मू उर्फ गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा मयूरभंज से स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले उत्कल विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये एमबीए करते हैं बिरबुधम विश्वविद्यालय से। ये एमबीए की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद ये अपना करियर की शुरुआत करते हैं। इनका एक भाई सिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रबंधक एक मैनेजर भी 2019 तक हुआ करते थे। 2019 तक आज की डेट में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत सरकार के सबसे बड़ा स्वाभिमान सबसे बड़े पावरफुल एक ऑफिसर में से एक है जिसको सीएजी कहा जाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये होता क्या है ये पावर क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं इनकी अर्ली लाइफ और इनका करियर बताता हूं कि इन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत किया। बतौर आईएएस ऑफिसर भी बने ये कमिश्नर भी बने गुजरात में जब सीएम नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उस वक्त से इनकी करियर की शुरुआत होती है। चलिए बात करते हैं इनके करियर लाइफ की। बात करें सन 2001 की बात है जब भारत के जो हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त रिलीफ कमिश्नर बनाए गए थे गुजरात के गिरीश चंद्र मुर्मू को रिलीफ कमिश्नर बनाया गया था गुजरात के। इसके बाद ये माइंस और मिनरल्स के कमिश्नर के रूप में काम किए गुजरात में माइंस खनिज के इनको देखभाल करने का इनका कमिश्नरी इनको मिला। उसके बाद ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने मार्टाइम बोर्ड यानी समुद्री तट के ये मेन मुख्य प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाए गए। इस तरह से इनकी करियर की शुरुआत होती है। इनके करियर में नया मोड़ आता है 2004 ईस्वी की चार में ये गुजरात के होम सेक्रेटरी गुजरात से ही जब अमित शाह होम डिपार्टमेंट गृह मंत्री का डिपार्टमेंट में थे उस वक्त इनको होम सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट बनाया जाता है और इनको गुजरात में हुए 2002 के जो दंगे हुए थे उन मामले की छानबीन करने का इनको कारोबार सौंपा जाता है। ये बात है सब सारा कुछ होने के बाद इनको मौका मिलता है सन 31 अक्टूबर 2019 को जब ये भारत के सबसे बड़े स्वाभिमान प्राप्त लेफ्टिनेंट गवर्नर कमिश्नर जो कि सीएजी बनते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ जम्मू का दिल भारत का धड़कन जम्मू कश्मीर के नए यूनियन टेरिटरी के निर्माण के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जीसी मुर्मू सर गिरीश चंद्र मुर्मू को सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र को बनाया जाता है। लेकिन 5 अगस्त 2020 को ये अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से रिजाइन कर देते हैं। इसका पीछे का कारण क्या था इसका पीछे का कारण यह था कि इनको जम्मू कश्मीर का सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाया जाता है। ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी सीएजी क्या है अब मैं इस पे चर्चा करूंगा। ये सीएजी बन जाते हैं। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब होता है कंट्रोलर। ऑडिटर का मतलब होता है जो किसी चीज की जांच पड़ताल करे उसके प्रबंधक मुख्य जनरल बनाए जाते हैं। भारत में जितने भी एक्सपेंडिचर होता है सीएजी का काम क्या है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। एक सीएजी यानी जीसी गिरीश चंद्र मुर्मू की सैलरी क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो भारत में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं चाहे वो केंद्र लेवल से हो या राज्य लेवल से हो जितने भी खर्च होते हैं किसी भी चीज़ में जैसे सड़क का खर्चा सेवा में खर्चा पालन में खर्चा दवाई में खर्चा मेडिकल में खर्चा आज के डेट में कोरोना वैक्सीन में जो खर्च हो रहा है जितना भी खर्च होता है इस खर्च का जो लेखा जोखा तैयार करता है पूरे साल भर का अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर होता है से लेकर के अगले ईयर मई मार्च तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर होती है उस साल भर का लेखा जोखा जो केंद्र सरकार का राज्य सरकार का बनाने का काम होता है सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये ऑडिट करते हैं खर्चे को पूरे देश के खर्चे का लेखा जोखा तैयार करने का काम है सर गिरीश चंद्र मुर्मू का। इनका पावर क्या है ये जितना भी खर्चा का हिसाब जो देंगे अगर उसमें कोई भी गलत खर्चा हो रहा
तो उसको ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार के खर्चे को ये राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का जो भी खर्चा होता है वो उसको गवर्नर तक पेश करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना करके देते हैं। ये इनका ड्यूटी है। इनकी सैलरी कितनी होती है? तो एक CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख रुपए महीना होता है, 2,50,000 रुपया बिना किसी टैक्स का। इनके सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं कटता, तो ये इनकी सैलरी होती है, इनकी पावर होती है। लिमिटेशन क्या है कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा का लेखा जोखा इनको ला करके देते हैं कि जो भी खर्च हुआ वो उसी लेखा जोखा के हिसाब से ये साल भर का रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको सरकार के पास डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पेश करते हैं। तो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं सर GC मुर्मू उर्फ गिरीश चंद्र मुर्मू, संथाल परिवार में जन्म लिए, एक संथाल लड़का कैसे देश के लिए इतना बड़ा गौरव का काम कर रहा। हम सभी संथाल आदिवासी भाइयों के गौरव को बढ़ाने में उड़ीसा मयूरभंज से जन्म लिए GC मुर्मू क्या कर रहे हैं, इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे, जनजन तक पहुंचाएंगे, ताकि ये वीडियो हमारे संथाल परिवार के जो गिरीश चंद्र मुर्मू महान व्यक्तित्व ने जो कर दिखाया, जो कर रहे हैं देश के लिए, वो एक प्रेरणा का रूप बने, एक प्रेरणा स्रोत बने। आज के युवा भी कुछ पढ़े लिखे IAS ऑफिसर बने और कुछ देश के लिए सेवा करने में अपना भी अहम योगदान दे सके। आज के युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके आगे आए ताकि वो गिरीश चंद्र मुर्मू के जैसे और भी हमें संथाल फैमिली से ऐसे ही ऑफिसर्स IAS और CAG मिल सके। अगला भारत का CAG कौन होगा हमारे संथाल परिवार में, ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है। तो आप इस वीडियो को गर्व के साथ एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो क्या कर रहे हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मिथिल सर ऐसे ही वीडियो लगातार आप सभी के पास ला रहा, लगातार संथाल परिवार में जन्मे ऐसे महान व्यक्तित्व की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सनम को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।